हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में, जिसमें मैं आपको दिखाने वाला हूँ 8th सेमेस्टर की रिजल्ट की कॉपी। अब ये जो रिजल्ट है, ये पिछले साल का 8th सेमेस्टर का रिजल्ट है कि जो GTU ने फर्स्ट टाइम पब्लिश किया था, यानी कि GTU में पहली बार सेमेस्टर 8 में सारे सब्जेक्ट हटा के उसकी जगह पे इंटेंसिव या फिर प्रोजेक्ट का सब्जेक्ट डाला था। तो इस बार की मतलब पिछले साल की ये फर्स्ट मार्कशीट हुई कि जिसके अंदर क्या फॉर्मेट था, कितना क्रेडिट था, किस हिसाब से मार्क्स देंगे, ये फर्स्ट टाइम GTU ने ये वाली मार्कशीट से डिक्लेयर किया था। तो यही मैंने एक कॉपी आज आपको यहाँ पे मैं डिस्प्ले कराने वाला हूँ, और यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि ये इसमें क्या कुछ इंक्लूड है। सबसे पहले तो एकेडमिक ईयर 2021-22 पिछले साल का है, और ये जब डिक्लेयर हुआ था एग्जामिनेशन, तो ये था मई 2022 का। 8th सेमेस्टर है, यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर है, कॉलेज का नाम लिखा है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है, IT ब्रांच है, ब्रांच का कोड है, यहाँ पे आपका नाम आएगा, उसके अलावा यहाँ पे आपका एनरोलमेंट नंबर आएगा, यहाँ पे आपका पुराना वाला एनरोलमेंट नंबर, यहाँ पे आपका सीट नंबर, ये 3 डिटेल आएगी। अब इसके अलावा यहाँ पे सब्जेक्ट्स के अंदर सिर्फ एक ही होगा, और वो होगा आपका सब्जेक्ट्स कोड की जो होने वाला है इंटर्नशिप या फिर प्रोजेक्ट। आप जो भी करोगे यहाँ पे पर्टिकुलर मेंशन नहीं होगा कि आपने यहाँ पे इंटर्नशिप की है या फिर आपने यहाँ पे प्रोजेक्ट किया है। इसका यहाँ पे क्रेडिट नंबर रहेगा, टोटल क्रेडिट होगा 12 पॉइंट्स, और इसके अलावा यहाँ पे कोई भी थियरी कंपोनेंट नहीं होने वाला है। यहाँ पे सिर्फ होने वाला है प्रैक्टिकल कंपोनेंट की, जिसमें यहाँ पे आपके दो तरह के ग्रेडिंग होगा, पहला होगा ESE और दूसरा होगा PE। इन दोनों के बेसिस के ऊपर आपको यहाँ पे ग्रेड दिखेगा, जिसके अंदर यहाँ पे जो भी स्टूडेंट का रिजल्ट है उसको यहाँ पे मिला है AB एंड AA। इसके अलावा यहाँ पे कोई भी थियरी ग्रेड नहीं होगा, प्रैक्टिकल ग्रेड होगा AB, और सब्जेक्ट्स का ओवरऑल ग्रेड यहाँ पे होगा AB। बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे AA ग्रेड भी मिला है, तो आप ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे AB मिला है तो सबको AB ही मिलेगा, यहाँ पे AA भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिले हैं। इसके अलावा यहाँ पे नीचे आ जाते तो नीचे यहाँ पे बैकलॉग है, ये भी जो भी स्टूडेंट्स का यहाँ पे रिजल्ट है उसको एक भी बैकलॉग नहीं आया, तो यहाँ पे हर एक जगह पे 0 होगा। उसके बाद यहाँ पे फिर से क्रेडिट डिस्प्ले होगा, यहाँ पे आपको कितने पॉइंट है GTU के 100 पॉइंट एक्टिविटी के, वो पॉइंट यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। इसके अलावा यहाँ पे आते हैं 8th सेमेस्टर के SPI, कि यहाँ पे आपको कितने SPI मिले हैं इन योर सेमेस्टर नंबर 8, वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले होगा कि यहाँ पे आपको 8th सेमेस्टर के अंदर 9 SPI मिले हैं। यहाँ पे आप एक पूछोगे 10 SPI मिलने के चांसेस है, तो इसका आंसर है यस। बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे 10 में से 10 SPI भी मिले हैं, और मोस्टली जिन लोगों के जिन भी स्टूडेंट्स के यहाँ पे ग्रेड AA होते हैं उनको यहाँ पे 10 में से 10 SPI मिलते हैं। इसके बाद यहाँ पे लिखा है अर्न क्रेडिट जो है 1867, अर्न ग्रेड पॉइंट है 1421, CPI यहाँ पे बनते हैं 8.51, और एट दी एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड देट इज द पासिंग स्टेटस। यहाँ पे आपको दिखेगा कि रिजल्ट पास कितना है। अगर हम CGPA की बात करें तो CGPA यहाँ पे होते हैं 8.98, बट यहाँ पे ये कैलकुलेशन आपको देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि ये कैलकुलेशन किसके अकॉर्डिंग है, ये कैलकुलेशन है पिछले साल के अकॉर्डिंग, मतलब स्टूडेंट्स का जो भी 5th, 6th, 7th और 8th का यहाँ पे रिजल्ट बनता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे CPA और CGPA बनते हैं। बट इम्पोर्टेंट इज ओनली दिस कि यहाँ पे क्या कुछ आपको दिखता है, यहाँ पे क्या कुछ आपको मेंशन किया है, एंड दैट इज जस्ट योर प्रैक्टिकल कंपोनेंट में 2 आते हैं ESE एंड PA, उसके अलावा यहाँ पे प्रैक्टिकल ग्रेड और ओवरऑल सब्जेक्ट ग्रेड। तो ये है पूरा का पूरा आपका सेमेस्टर नंबर 8 का रिजल्ट। सिर्फ इतना ही होता है, यहाँ पे किसी भी जगह पे पर्टिकुलर मेंशन नहीं किया है कि किस पॉइंट के लिए किस कंपोनेंट वाइवा के लिए कितने हैं, इसके अलावा दूसरे सारे कौन से बेसिस के ऊपर यहाँ पे ग्रेडिंग मिलते हैं। ओवरऑल आपके पास यहाँ पे ग्रेड डायरेक्टली आ जाएंगे, और आप यहाँ पे पूछोगे कितने टाइम में रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट तकरीबन आता है 3 से लेकर 4 वीक तक। जब भी आपका यहाँ पे एक्सटर्नल वाइवा हो जाता है, सेमेस्टर कंप्लीट हो जाता है, उसके 3-4 वीक के अंदर आपका यहाँ पे फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट आ जाता है, और इसी के साथ साथ यहाँ पे आपकी प्रोविजनल डिग्री भी आ जाती है। सो दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू आर इन डाउट्स देन फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय।